तो अब हम जानते हैं किस तरह से शुरू करें। दोस्तों, सोना तो हर जगह है, ज़्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें 10 स्टेप बताए हैं अपना फाइनेंशियल जीनियस बढ़ाने के लिए, जिससे हम वे संभावनाएं देख पाएं जो अभी तक नहीं देख पा रहे। वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, हकीकत से ज़्यादा बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक ठोस कारण की जरूरत है। यह कारण कुछ भी हो सकता है, पर यह इतना पक्का होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं का सामना कर सकें। यह कारण आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, दोनों से मिलकर बनता है। अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होगा तो आप ज़्यादा देर तक इस रास्ते में नहीं चल पाएंगे। नंबर टू, हर दिन विकल्प चुनना, विकल्प चुनने की ताकत। आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, यह आपको रोज़ चुनना होगा। आप अमीर बनना चाहते हैं या मध्यवर्गीय, यह आपको चुनना है, और उसी के अनुसार आपको अपनी आदतें, अपना व्यवहार और अपने काम करने का तरीका भी चुनना है। नंबर थ्री, अपने दोस्त सावधानी से चुनें। दोस्तों, अमीरी के आधार पर ही दोस्ती ना करें, ऐसे दोस्त बनाएं जिससे आप कुछ सीख सकें। गरीब लोगों की बात ना सुने, क्योंकि वे डर के आधार पर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। वे पैसे के मामले में अक्सर डरे हुए होते हैं। किसी की भी बात आंख बंद कर ना माने, अपने दिमाग से तर्क वितर्क करके फिर निर्णय लें कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट है नंबर फोर, किसी फॉर्मूले के एक्सपर्ट बन जाएं और फिर एक और नया फॉर्मूला सीखें। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपका दिमाग, जो एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। यह बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए, क्योंकि आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। सेमिनार्स और क्लासेस में जाएं और इन्वेस्टमेंट से जुड़े तरीके समझें। देखें कि कामयाब लोग क्या करते हैं। जब आप कोई टेक्निक सीख लें तो फिर कोई और नई टेक्निक सीखें और उसका प्रयोग करें। नेक्स्ट है नंबर फाइव, खुद को सबसे पहले वेतन दें। दोस्तों, अमीर बनने के लिए खुद को पहले पे करें। जब भी सैलरी आए, पहले अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग करें, फिर बाकी खर्च करें। आप में अनुशासन का होना जरूरी है। सफल बनने के लिए आपको तीन स्किल्स में अपने आप को अच्छा करना होगा। वो हैं कैश फ्लो का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट और व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नंबर सिक्स, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। दोस्तों, जब आप अपने लिए ब्रोकर, अकाउंटेंट्स, लॉयर रखें तो पैसे बचाने के बारे में ना सोचें, उनकी काबिलियत देखकर रखें। एक प्रोफेशनल की सलाह बहुत फ़ायदेमंद होती है। वे आपको अच्छी सलाह देंगे, आपके लिए अच्छा काम करेंगे और आपका समय भी बचाएंगे। उनकी अच्छी सलाह से आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। ऐसे प्रोफेशनल को खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। नेक्स्ट है नंबर सेवन, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, समझें कि कितने समय में आपको आपका मूलधन वापस मिलेगा और आपके लगाए हुए मूलधन में आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। रिस्क तो सब जगह होता है, इसलिए आपको रिस्क संभालना आना चाहिए। नेक्स्ट है संपत्ति से लग्जरी चीज़ें खरीदें। दोस्तों, पहले अपने पैसे संपत्ति बनाने में लगाएं, और फिर जब आपके संपत्ति वाले कॉलम से अच्छे पैसे आने लगे तो फिर उसे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में खर्च करें। जो लोग पहले लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं, वे संपत्ति कॉलम पर ध्यान नहीं देते, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। नेक्स्ट है नायकों की ज़रूरत। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अपना एक नायक चुनें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उनके गुणों और उनकी आदतों को अपनाने की कोशिश करें। देखें कि वे कैसे सोचते हैं, उनके काम करने का तरीका सब समझें और अपने अंदर उनके गुणों को डालने की कोशिश करें। यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो नेक्स्ट है नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा। मतलब नहीं समझे, चलो मैं समझाता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की ज़रूरत है। जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें, बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। यह
पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। दोस्तों, क्या आपको और ज़्यादा चाहिए? किस तरह से शुरू करें, चलो और बताता हूँ। अपने काम से ब्रेक लें और आंकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही। नए विचारों की तलाश करें, इन्वेस्टमेंट से संबंधित नई नई जानकारी लें, गाइड, मेंटर या किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो इस वक्त वहाँ है जहाँ आप फाइनेंशियली पहुँचना चाहते हैं। उसके साथ समय बिताएं, उससे सीखें, आइडियाज़ लें, किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में जाएं, क्लासेस में जाएं, ऑडियो लेसन्स खरीदें, यानी कि सीखने में इन्वेस्ट करें। रियल स्टेट में सौदे के समय ऑफ़र ज़रूर दें और सौदा पसंद ना आने की स्थिति में बाहर निकलने का भी रास्ता रखें। महीने में एक बार 10 मिनटों के लिए किसी निश्चित स्थान पर जॉगिंग करने, टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए ज़रूर जाएं और देखें कि क्या कोई रियल स्टेट सौदा दिख रहा है। कुछ भी खरीदते वक्त सस्ते में खरीदें। याद रखें, फ़ायदा हमेशा खरीदते समय होता है, बेचते समय नहीं। पहले खरीदारों की तलाश करें, फिर उस व्यक्ति की जो बेचना चाहता है, यानी पहले खरीदार ढूंढें, फिर बेच वाल। बड़ा सोचें, लोगों को इकट्ठा करें और उनके साथ बड़ी डील में भाग लें। बड़ी डील्स में डिस्काउंट भी अच्छा मिलता है। इतिहास से सीखें, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। तो फाइनल थॉट्स, लेखक लिखते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से ज़िंदगी में सामान्य समस्याएं हल हो जाती हैं। फाइनेंशियल नॉलेज के बिना हम वही पुराने फार्मूले से अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो, ज़्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है। दोस्तों, इस बुक को भी ज़रूर पढ़ें। इस बुक में बताई गई काफ़ी सारी बातें आज भी सच साबित होती हैं। इस बुक से पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि हमें आखिर और कितना कुछ सीखना है, और यह तो सिर्फ अभी शुरुआत है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताएं इस पूरी किताब से आपको क्या कुछ सीखने को मिला और यह सब आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि औरों को भी शुरू करने के बारे में पता चल सके। ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोज़ को, नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।